के परिचय में हम कुछ रेखा या रेखा को पढ़ते हैं जो भारत के संदर्भ में भारत के परिप्रेक्ष्य में खींची गई हैं। लेकिन उन रेखाओं को पढ़ने से पहले हम ग्लोब पे कुछ रेखाओं के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि यहाँ से यूपीटीटी में और सुपर टीटी में प्रश्न आए हैं। यूपीटीटी में तो 18 का जो यूपीटीटी होता वहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया था। हम अक्षांशी रेखा की बात करें तो ग्लोब पर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएँ हैं जिनके नामकरण किए गए हैं, जिनके नाम रखे गए हैं। पहला 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे मध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर अगर जाएंगे तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यह है आपका 23 से ही 1/2 डिग्री, यह है नॉर्थ। और यही पूछा था 23.5 डिग्री साउथ पे, रेखा का नाम यही टीटी यूपीटीटी 2018 का पूछा क्वेश्चन है। 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ, इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा यह भूमध्य रेखा, ठीक, यह दोनों ये पूछ चुका है यूपीटीटी 2018। फिर ऊपर आते हैं, ये आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, फिर नीचे अंटार्कटिक। ये 66 से ही 1/2, ये भी 66 से ही 1/2, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। यह रेखा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें आपको याद करना है। ये प्रमुख अक्षांशी रेखा है, ठीक। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में तो क्या इसमें से कोई रेखा भारत से भी संबंध है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां से कई बार परीक्षण पत्र आया है, मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक है। क्या करना है? मित्र पर गमछा झार। मी से है आपका, मी से मिजोरम, मी से आपका मिजोरम, ठीक। त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से 8 राज्य हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। इसको याद कर लेगा, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, याद रहेगा ना। पूछ लेता निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो इसका ट्रिक आसान है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक। ये पूछता कितने राज्यों से, तो 8 राज्य से, 8 राज्य कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नाम याद हो गया आपके। अब और रेखा की बात करते हैं, पहले इन रेखाओं को याद कर लिए, आर्कटिक, कर्क, भूमध्य, मकर। कर्क ऊपर होता है, भूमध्य बीच में होता है, मकर, ये भी जानते रहेगा। इसको याद करने कैसे ट्रिक है, एक गाना है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, ठीक। कस हो गया कर्क, भस हो गया भूमध्य, मस हो गया मकर। ऊपर आर्कटिक सागर, नीचे अंटार्कटिक का महाद्वीप, ये याद हो गया आपको, ठीक, समझ में आया। और नहीं तो क पहले आता है हिंदी वर्णमाला में, फिर भ, फिर म आता है, इस क्रम से याद कर लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़े, भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को भी पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा मतलब एक रेखा हिंडे लेगा रेड क्लिफ, क्लिफ
या रेडक्लिफ रेखा? अब बस इसका एकदम सा आसान सा जवाब है, किस रेखा का नाम सुनते ही या किस देश का नाम सुनते ही आपकी आंखें लाल हो जाती, रेड मने लाल? किस देश का नाम? भारत कौन सा पड़ोसी देश है जिसका नाम सुनते ही आंखें लाल हो जाती है गुस्से से? पाकिस्तान। तो ये रेखा किसके बीच खींची गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच। बस इतना आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब है। अगर आपसे पूछेगी रेडक्लिफ रेखा किन देश के बीच की सीमाओं का निर्धारण करता है, बस कि ठीक, तो कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम सुनते ही हमारी आंखें क्या हो जाती है? लाल। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था। यह रेखा खींचा कौन था? इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा खींचा गया था, जो ये था कि जातिगत के रूप से या धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पर इसे खींचा गया था। उस समय जिस समय रेखा खींचा गया था, उस समय वर्तमान बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो खींचा गया था। तो वर्तमान बांग्लादेश और भारत के बीच भी रेडक्लिफ रेखा ही खींची गई है, क्योंकि जो आज बांग्लादेश है वो कभी क्या थी? पूर्वी पाकिस्तान था, आज उसे बांग्लादेश कहते हैं। ठीक, सुन आप लोग को? चलिए, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके आधार पर? मेजोरिटी। ठीक, मतलब धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक, बॉर्डर कमीशन के द्वारा, और सर रेडक्लिफ थे जिन्होंने रेखा का निर्धारण किया था। ठीक, अब आते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा मैकमोहन मन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी को याद कर लीजिए, बोलते कम है डर ज्यादा दिखाता है कौन, चाइना। तो यह रेखा भारत और चाइना के बीच खींचा गया है, शिमला समझौता के समय ये खींचा गया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। फिर डोरंड रेखा, डोरंड, डोरंड यह रेखा वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। डोरंड, 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 देखिए डोरंड, डोरंड रेखा इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन जब खींची गई थी उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में। ठीक, लेकिन 15 अगस्त से यह किसके किसके बीच हो गई? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसको समझा दे क्या कैसे? जैसे ये जमीन है, ये ए की जमीन थी, ये बी की जमीन थी। ठीक, माने भारत था और अफगानिस्तान के बीच 1896 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो क्या करता बी अपनी, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा, बी अपनी जमीन क्या करता? बेच देता। किसको? पी को। किसको? हाँ, जिसको बेच दिया। अब इनके और इनके, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी हो गई? ये खत्म, ये रेखा इनके इनके बीच चली गई, भाई जमीन बंटवारा हो गया, इसको चला गया। तो अब इस समय रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन यही रेखा पहले किनके बीच थी? भारत और, लेकिन यह कब से थी? 1896 से लेकर थी। लेकिन जब 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, यह रेखा इस समय अफगानिस्तान और भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई। ठीक, भारत से लगती है मात्र 106 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के पास, बाकी लंबा क्षेत्र किसमें लगता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो डोरंड रेखा कहाँ है इस समय? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। ठीक, भारत में मात्र 106 किलोमीटर लंबी लगती है। यह था रेखा संबंधित जो मैंने आपको बता दी। यहाँ से अगर कुछ समझ में ना आया हो, जो आप पूछना चाहते हो, तो बेधड़क निसंकोच पूछ सकते हैं आप। भारत में भी लगती है। अच्छा, जो डोरंड रेखा है यह सर डोरंड के द्वारा खींचा गया था 1896 में। कब खींचा गया था? 1896 में। जिस समय खींचा गया था उसमें पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, भारत में बंटवारा हुआ नहीं था। तो यह रेखा उस समय अफगानिस्तान और भारत के बीच थी। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, तो यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई। तो इस अगर वर्तमान समय पूछेगा तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, कोई दिक्कत?
कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले टर्म में अगले दिन हम लोग पढ़ते हैं इससे कुछ और आगे की कहानी भारत के परिचय में, और भारत का परिचय इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद हम राज्यों का परिचय, उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर पढ़ेंगे, ठीक। और मैंने उसकी PDF आपको उपलब्ध करा दी है, एक बार PDF देख लीजिएगा उन राज्यों के बारे में जिन राज्यों के बारे में आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद क्रमिक रूप से हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और हम ये प्रयास करेंगे कि CTET का समय लंबा है, हम UPTET की कुछ चीज़ें भी आपको पढ़ा दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, ठीक। कोई समस्या आप लोगों को, कोई समस्या नहीं समझ, ठीक।